लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। चंडीगढ़ में वाल्मीकि समाज दो गुटों में बट गया है। एक मीटिंग के दौरान दोनों गुटों में जमकर बहसबाजी हुई। वाल्मीकि समाज चंडीगढ़ के सलाहकार गीताराम ने बताया, 8 सितंबर को समाज की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें वाल्मीकि समाज के चेयरमैन पद को लेकर चुनाव किए जाने थे। उस मीटिंग में कुछ लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और लोगों को डराया धमकाया। मौजूद चेयरमैन अपने पद से हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि वह लोगों को डरा धमकाकर अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, जबकि सभा में हर साल एक नया चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। इसके साथ ही उन लोगों ने चुनाव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करवाने की कोशिश की, जिसके चलते सभी लोगों ने चुनाव को बॉयकॉट कर दिया। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर समाज के लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बैठक में वाल्मीकि समाज के सभी संगठन एकत्रित हुए। लगभग 500 आदमियों की बैठक थी और उस बैठक में समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए। जिस टाइम मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ पर शरारतबाजी की गई, जिसकी वजह से सभी लोग भयभीत हुए और जो स्टेज सेक्रेटरी थे हमारे, वो अपने लोगों को ही टाइम देते रहे, उनको बुलवाते रहे। जब लगा पब्लिक को कि एक तरफी मीटिंग जा रही है, तो हमारे कुछ साथियों ने, जो लोग 500 की संख्या में वहाँ पर गए, तो 500 की संख्या में से 11-12 वोट सैनी साहब को पड़ी, 4 वोट टीटा को पड़ी और 3 वोट भरत जी को पड़ी। तो वहाँ पर इन बातों के ऊपर लेकर कुछ विवाद हुआ और 3 कैंडिडेट जो थे, भरत, टीटा और गुरचरण जी, वो बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर अपने सभी साथियों से कहा कि ये जो अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है। और जो भारी संख्या में लोग थे, उन्होंने एक बात कही कि अगर इन लोगों ने ही, 11-12-15 लोगों ने ही बैठक में अपने नाम गिनवाने थे, तो ये 12-14 लोगों को बुलवा कर ही अपना नाम प्रपोज कर लेते। तो बाहर के जितने भी सभी लोग आए थे, उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि ये बैठक जो है दोबारा से बुलाई जाए, ताकि समाज के सभी प्रतिष्ठावान लोगों का मान सम्मान हो सके, इनके सम्मान को ठेस ना पहुँचे। और त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान का जो प्रकट उत्सव 13 अक्टूबर का है, उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। कुछ ऐसे कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने नारेबाजी की, जबकि धार्मिक कार्यों में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। और कुछ बुद्धिजीवी संगठनों ने कहा कि ये मीटिंग नहीं है, इस मीटिंग को दोबारा से कॉल किया जाए। भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी और बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए। उसके बाद सेक्टर 20 में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए वाल्मीकि आश्रम सेक्टर 20 में। वहाँ पर तय किया गया कि कल एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कॉन्फ्रेंस में अपना मुद्दा रखेंगे कि कल जो वहाँ पर 24 सेक्टर में ये धांधलीबाजी हुई है, वो ठीक नहीं हुई है, सभी को मान सम्मान को ठेस पहुँची है, जो लोग गए थे उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। कल सेक्टर 20 में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दोबारा से मीटिंग की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता करमपाल गहलोत ने बताया, अगले महीने 13 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया जाएगा और हर बार की तरह इस बार भी धूमधाम से वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और अगर इस तरह से वाल्मीकि समाज आपस में बटा रहेगा तो वाल्मीकि जयंती पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। कल भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी, सामान्य बैठक बुलाई गई थी सेक्टर 24 वाल्मीकि मंदिर में, जिसमें वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन का चुनाव होना था। वहाँ जो मंच संचालक कर रहे थे मिस्टर धर्मवीर जी, उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से 10-12 लोगों को बुला करके, मंदिर कमेटी के लोगों को बुला करके
एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में अपना माहौल बनाने की कोशिश की गई। चार उम्मीदवार थे हमारे पास, चार उम्मीदवारों में से तीन उम्मीदवारों ने उसका विरोध किया और बैठक को बीच में छोड़ा, वॉकआउट किया। जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मिस्टर कृष्ण कुमार चड्ढा जी, उस पर एक अपना पक्ष ने दबाव बना करके अपने फेवर में फैसला बना अपना लिया गया कि मैं चेयरमैन हूँ, जबकि वो बैठक ना ही उसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी और वो टोटली ही असंवैधानिक तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी। समाज के मुख्य लोगों ने और दूसरे बचे दूसरे जो उम्मीदवार थे उसके अपना चेयरमैन पद के तीन, उन्होंने उसका बहिष्कार किया और अब हम आपके माध्यम से जो मौजूदा बैठक के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार चड्ढा जी, उनसे अपील करेंगे कि उस बैठक को रद्द करके दोबारा एक सामान्य बैठक समाज की बुलाई जाए जिसमें सर्वसम्मत और सार्वजनिक तौर पर एक फैसला लेकर के चेयरमैन का पद का चुनाव किया जाए, जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए, समाज में कोई किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। हमारी ऐसी उनसे अपील रहेगी। अगर उस बात को हमारी नहीं मानते तो हम एक समाज के बीच में जनरल एजेंडा लेकर के जाएंगे। समाज के प्रोविडेंट लोग, सामाजिक संस्थाएं, मंदिर कमेटियां जो हमारे पक्ष में हैं, उनका सभी का उस एजेंडे पर साइन करा करके एक जनरल मीटिंग बुला करके समाज की, और इसमें सार्वजनिक तौर पर सर्वसम्मत फैसला लेके चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। जो भी बनेगा हमें मान्य होगा। कल की बैठक को हम असंवैधानिक मानते हुए उसको हमारा समर्थन नहीं है, उसका हम विरोध करेंगे। कल जो बहुत कम समय में आधे घंटे की बैठक चली, वहाँ सैकड़ों लोग थे, 500-600 की संख्या में लोग थे, 10-12 लोगों की राय जानने के बाद दबाव बना करके फैसला कर लिया गया भी मैं चेयरमैन हूँ। उस चेयरमैन को ना ही समाज कंसिडर करता और ना ही हम उस बैठक को मानते। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।